चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, जोऽसौ विश्वम्भरो देवा स भक्तान् किमुपेक्षते। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, जो वैष्णव है विष्णु भगवान के भक्त हैं, व्यर्थ ही भोजन की वस्त्र की कहाँ रहूंगा ये सब चिंता करते हैं। जोऽसौ विश्वम्भरो देवा, जो सारे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं, पशु पक्षी सबको दे रहे हैं, सब भक्तान की विपक्षते, वो क्या अपने भक्तों को ही छोड़ देंगे? भक्तों पर ही ध्यान नहीं रखेंगे? तो भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, योऽसौ विश्वम्भरो देव सब भक्तान की विपक्षते। जो भगवान विश्वम्भर है, सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, पशु पक्षी सबका, जल में मछलियां रहती हैं उनको भी भोजन देते हैं, अपने भक्त को ही छोड़ देंगे? अपने भक्त को ही त्याग देंगे? मतलब कि निश्चिंत रहना चाहिए भक्तों को। नारायण, पेट में 9 महीना आदमी रहता है, वहां भी भोजन भगवान देते हैं, बाहर निकले पर क्यों नहीं देंगे? बोलो श्री विश्वम्भर भगवान की जय, बोलो स्वामी राम तीर्थ की जय। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में मैथमेटिक्स के गणित के प्रोफेसर थे। केवल 33 वर्ष, 33 ईयर से ही जीवन उनका रहा। तो वो एक कथा बोले हैं, एक महात्मा थे, एक कंबल ही रखते थे। एक चोर आया, उस कंबल को चुरा लिया। पास में पुलिस चौकी थी, वो रिपोर्ट किए, हमारा बिछौना, हमारी तकिया, हमारी रजाई, हमारी धोती, हमारा बर्तन, हमारा छाता, सब चोरी चला गया। चोरी किया गया था केवल कंबल। पुलिस वाला चोर को पकड़ा, बोला कि महात्मा जी का इतना सामान ले गए हो, ले आओ। चोर बोला कि आप कितना भी मारिए पिटिए, हम केवल कंबल चुराए हैं, हम केवल कंबल चुराए हैं, ये महात्मा होकर के इतना सब सामान लिखवा दिए हैं। पुलिस वाला कहा कि महात्मा जी, आपका केवल कंबल चोरी गया और आप इतना सामान लिखवा दिए? बोले कि हम ठीक लिखाए हैं, हमारा कंबल मंगाओ। कंबल मंगाया गया चोर के द्वारा, उसको जमीन पर बिछा दिए, देखो हमारा बिछौना है। उसको गुमट करके सिर के नीचे रख लिए, देखो हमारी तकिया है। उस कंबल को ओढ़ लिए, देखो हमारी रजाई है। उस कंबल को पहन लिए, देखो हमारी धोती है। उसमें कोई दे दिया खाने का सामान, उसमें लेकर के खाने लगे, देखो हमारा बर्तन है। डंडा गाड़ करके छाया कर लिए कंबल से, देखो हमारा क्या है, छाता है। एक कंबल से हम सब सा काम लेते हैं, इसको चुरा करके हमारा ये सब सामान चुरा लिया। हम ठीक लिखाए हैं लिस्ट में, जो जो सामान लिखाए हैं सब सब चुरा लिया ही हमारा। इसी तरह से सारे संसार के नाता रिश्ता घर द्वार सब कुछ छोड़ करके जो परमात्मा रूपी कंबल को पकड़ता है, तो परमात्मा क्या हो जाता है? तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो माता वही बन जाएगा। यहाँ तो एक माता मानेंगे, पूरे देश की माताएं उसको मानेंगी। चपिता तुम्हें वह, यहाँ एक पिता मानेंगे, वहां सारे संसार के पिता उसको प्रेमी हो जाएंगे। यहाँ दो चार भाई प्रेम करेंगे, पूरा संसार के आदमी ही उसके उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, सब सब के सब लोग उसके अपने भाई बन जाएंगे, सब मित्र बन जाते हैं। भगवान ही उसकी विद्या बन जाते हैं, द्रविण बन जाते हैं। और कहते हैं कि एक श्लोक में कितना गिना है, तुम्हें सर्वम मम देव देव, आप देवताओं के देवता हैं, आप हमारा सब कुछ है। तो जो जैसे महात्मा जी का कंबल चुराया चोर, लिखा दिया ना कि हमारा बिछौना, हमारी तकिया, हमारी रजाई, हमारा धो हमारी धोती, हमारा बर्तन, हमारा छाता, सब चुरा लिया। उसी उसी तरह से जैसे कंबल ही सब बनता गया, कंबल ही रखते थे, उसी से सब काम लेते थे, इसी तरह सबको छोड़ करके जो परमात्मा रूपी कंबल को पकड़ता है, परमात्मा को पकड़ता है, उसका भगवान सब आइटम बन जाते हैं। माता पिता भाई मित्र विद्या गुरु सब कुछ बन जाते हैं।
हर हर महादेव।